सती नहीं रही, अहंकार से युक्त शरीर से नहीं बनी है, अब वो सती नहीं रही, अब वो पर्वतीय गुण धारण कर पार्वती बनी है, पर्वत की कन्या है। पर्वत में दो गुण है, सबसे पहला तो वो अंश के बल है, वो हिलता नहीं है, स्थिर है। जिसकी बुद्धि नकल से हिलती नहीं, नकल तो वही करे जिसे अकल नहीं, जिसकी बुद्धि अब स्थिर हो चुकी है, अब न हिलने वाली बुद्धि बन चुकी है, कौन? माता सती। और दूसरी बात देखो कितनी सुंदर है ये बात, पर्वत में एक स्थिरता तो गुण होता है और दूसरा गुण होता है प्रवाहितता, प्रवाहितता। इसलिए बड़े बड़े नदियों का उगम बड़े बड़े पर्वतों के चट्टानों में ही तो हुआ है, उसमें प्रवाहितता है। ऐसे ही माता पार्वती की गुण है, माता पार्वती की क्वालिटी, माता पार्वती के कौशल्य है कि अब वो स्थिर है और स्थिरत्व के साथ साथ प्रेम से प्रवाहित भी है। देवर्षि नारद महाराज आए और माता पार्वती का भविष्य बखान करने लगे। क्या है भविष्य? सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर है, देखो कितना सुंदर वर्णन किया है, सुंदर है, पर कैसे सुंदर है? मेकअप करके सुंदर नहीं है, पहले तो 16 श्रृंगार थे, कहते हैं ना 16 श्रृंगार कर मैं आई, 16 श्रृंगार पहले थे, अब 17वां भी ऐड हो चुका है, ब्यूटी पार्लर, पता नहीं क्या क्या। हाँ ये बात तो सत्य है, माँ भगवती पार्वती सुंदर है, पर कैसे सुंदर है? कुछ थोप कर लेप कर सुंदर नहीं है, फिर सुंदर सहज, सहज सुंदर है, फिर सुंदर सहज सुशील, चरित्र संपन्न है, सुशील सयानी। भाई सुंदर तो है पर खाना बनाना नहीं जानती तो गड़बड़ तो हो जाएगी ना, कम से कम इतना तो आना चाहिए खुद खाएं और चार लोगों को खिलाएं, इतना तो खाना आना ही, बनाना तो इतना आना ही चाहिए। हाँ मुझे आता है, आप चिंता मत करिए, खिला सकती हूँ आराम से। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं एक स्थान पे थी तो उन्होंने मुझे बड़े सम्मान के साथ बिठाया और कहा दीदी देखो आप ऐसी हो ना, आप जगह जगह जाते हो, आप चार लोगों को खाना नहीं खिला सकते, पर हम आप सन्यासी से तो हम संसारी भले, हम कम से कम चार लोगों को खाना तो खिला सकते हैं। तब से मैंने एक ठान लिया कि माँ अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा हो जाए कि जैसा कबीर जी ने कहा था, मैं भी भूखा ना रहूं और दर से कोई ना भूखा जाए, मैं तो भूखा ना ही रहूं पर दर से आने वाला कोई ना भूखा जाए, क्योंकि